हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फॉल गाइस वीडियो। तो गाइस आ चुके हम लोग एक और फॉल गाइस गेम प्ले में, और पहले ही राउंड में आ चुका है ट्री टॉप टम्बल भाई। तो यहाँ पर जो मैंने खतरनाक से शॉर्टकट लिया है गाइस, आप देख ही सकते हो कि बिल्कुल मैं प्रो बनने ही वाला हूँ बस। लेकिन यार इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है गाइस, मेरे को मानना पड़ेगा कि इसमें लोगों ने कुछ तो ट्रिक्स निकाल ली है जो मुझे नहीं मालूम। कोई बंदा यार बहुत ही तेज़ करता है, और वहाँ पे पहुँचने में हमें कम से कम 3-4 महीने लग जाएंगे, मेरी ऐसी कैलकुलेशन है गाइस। लेकिन तब भी यार स्टम्बल गाइस का जो एक्सपीरियंस है वो हमें काम आता है और हम लोग अच्छे से खेल पाते हैं। ये थोड़ा राइनो से मैं डरता हूँ क्योंकि यार ये मुझे मार देता है सींग आके। बाकी तो यार रेस मैप में मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं, ऐसे फटाक से जाता हूँ ना। और आपने अगर ध्यान से नोटिस किया होगा गाइस, तो मैं ना फर्स्ट आया हूँ यार, फर्स्ट क्वालिफाई किया हूँ। तो हमारा सेकंड राउंड आ चुका है गाइस फ्रूट शूट, और इसमें जो मेरे को खतरनाक सी ट्रिक मालूम चली थी वो आज मैं फिर से करने वाला हूँ। साइड में जाके हैमर से खाई लात और बिल्कुल ही आगे। लेकिन अब जो आ रहे हैं जामुन मेरे सामने भाई, ये इतना बड़ा जामुन है ना, क्या है ये, बैंगन है कि जामुन है गाइस, ये मेरे पीछे पड़ चुके हैं। और देखो मेरे साथ यही होता है यार, मैं अकेला बंदा हूँ जो ट्रिक करता है, ठीक है, इतने आगे तक आता है, और फिर मैं ही अकेला बंदा रहता हूँ जिसमें सारे सेब टमाटर सब आके पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है मुझे समझ नहीं आता यार। अच्छा खासा फर्स्ट आने वाला रहता हूँ, फिर मैं आता हूँ लास्ट। अभी भी जाने नहीं दिया जा रहा है भाई, कब जाने दिया जाएगा, इतनी पास आके भी नहीं पहुँच पा रहा हूँ। बस थोड़ा सा हटाओ इसको, थोड़ा सा, चलो आगे हम लोग आएंगे, अब सिक्स तो आ ही जाएंगे, चलो आधे पे आ गए। और तीसरे ही गेम में फिनाले आ गया, मतलब स्टम्बल गाइस बना दिया फॉल गाइस को इन लोगों ने, तीसरे गेम में फिनाले गाइस। ये वाला राउंड थोड़ा डिफिकल्ट है यार, लोग मानते नहीं है, तो इसमें टाइम लगेगा। लेकिन तीन लोग तो ऑलरेडी बाहर ही हो गए। सही है, मैं कोने में आ जाता हूँ, कोने कोने में खेलेंगे हम लोग। इस बार अटक जाता हूँ मैं, पता नहीं क्या होता है, अचानक से बंदा ना फिसलने लग जाता है खड़े खड़े, तब मैं गिर जाता हूँ। ऐसे तो मैं कभी नहीं गिरूंगा इसमें, बस वो फिसलता है ना तभी गिरता हूँ मैं। और इसमें देखो तीन ले रहेगा इस, ब्लू येलो रेड, तो रेड तक तो पहुँचना ही नहीं है अपन को। और स्पॉन्जबॉब मेरे पीछे क्यों पड़ गया भाई, मैं इधर चलता हूँ, यहाँ पे थोड़ा बीच में रहते हैं, कोने में वैसे ज़्यादा सही रहता है यार, कोने में कोई है नहीं, कोने में चल देता हूँ। इन कोने में ये भाई सब भी आ रहे हैं, स्पॉन्जबॉब तो यार पूरा यार मैप नापरा करके आ रहा है भाई, लेफ्ट राइट कर रहा है, एक जगह खड़े नहीं हो सकते क्या ये। अब ठीक है, यहाँ पे मैं इसके आगे आ गया हूँ, अब मैं इसको नापूंगा, रुक जाओ गाइस, इसके आगे रह के। अरे यार सामने गड्ढा, ओ देखा गाइस, मैं फिसल गया था, बच गया। अरे यार यहाँ पे ओके स्पॉन्जबॉब बाहर कूद गया है, तो मेरे पास अब है टाइल। यार मैं गिर गया था, पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन अब गाइस जो हमने खाली करे थे ना वो घूम के वापस आ रहा है, तो जो रेड वाली चीज़ें हैं उससे मुझे बचना है यार, रेड वाले के पास जाना ही नहीं है मुझे। यहाँ सामने इनने यार गड्ढे करे नहीं हो, क्योंकि एक बंदा है लेफ्ट में, एक बंदा राइट में, और मैं सेंटर खेल रहा हूँ, और मेरे में ज़्यादा दिमाग है क्योंकि सेंटर में ना अपने पास ऑप्शन तो रहेंगे। देखो यहाँ सामने गड्ढे हैं, लेफ्ट वाले के पास भी है, अभी सब टिके हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास। अच्छा सामने गड्ढा आ गए, यहाँ पे कूद के आ जाओ भाई, दोनों साथ में मार हो गए गाइस, जीत गए हम लोग यार, पहली बार जीता हूँ शायद से मैं आलम मैम। तो गाइस एक और प्लान आता हुआ कम से कम 1 महीने बाद, तो न्यू गेम में आ गए हैं, आ चुका है गाइस हमारा लिलीलीपर। लिलीलीपर में एक चीज़ है जो अभी तक मैं नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आज मैं वो करके रहूँगा, जो कि बीच में से जाना गाइस। बीच में से कैसे ही जाते हैं मुझे कभी नहीं आया है, आज मैं इतना जल्दी जाऊँगा कि मेरे को ना टाइम मिल जाए लास्ट में जाने के लिए। ये एक और चीज़ है जो मैं अभी तक नहीं कर पाया हूँ, जो कि साइड से जाना, लेकिन बहुत जल्दी कर लेंगे हम लोग। बहुत छोटा सा रहता है यार वहाँ पे लोटस, इसलिए वहाँ से कूद नहीं पाते लोटस लिली जो भी है ये। चलो चिल्ली और ऊपर से आ गए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है यार, यहाँ पे क्या ऊपर वाले जो है ना ये टकराने लग जाते हैं, लेकिन अभी मैं अच्छा खेल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट, बहुत बढ़िया, वाओ क्या खेल रहा है, अरे मज़ा ही आ गया। अरे मुँह क्यों टकरा के ले आया ये अपना भाई, अब देखो अब अटक गया ना मैं, बस एक बार गिर जाए ना कोई यहाँ पे फिर चढ़ ही नहीं सकता भाई, ये आपको चढ़ने देंगे ही नहीं, कहाँ से चढ़ूँ बताओ, पीछे से चढ़ के आना पड़ेगा। चलो वापस स्टार्टिंग से कर दिया। अब गाइस ये जो बीच का रास्ता है भाई, मुझे ये सीखना है, आज तो सीख के जाऊँगा मैं, करना क्या रहता है इसमें ये देखो, ये तो नहीं हो पाया, या तो इसमें खुद से जाना रहता है या तो ये खुद फेंक देगा, ठीक है। तो जितना मैंने देखा है खुद से तो नहीं फेंक रहा है, अपन को करना पड़ रहा है, डायरेक्शन तो देना पड़ रहा है, और साथ में मुझे लग रहा है डाइव भी मारना पड़ेगा। बाकी लोग कैसे जा रहे हैं, बाकी यार एक तो पहुँच गया यार, यार ये मुश्किल है गाइस, बहुत ज़्यादा टफ है यार, मतलब एक तो ये खुद से फेंकेगा ना थोड़ा ढंग का तो ही मैं जा पाऊँगा, क्योंकि ये ही मुझे ठीक नहीं फेंक रहा है, पूरा एंगल भाई कैलकुलेट करके जाता हूँ। ये गया, अरे क्या आ रहा था यार, लास्ट वाला रह गया यार, कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, इसको 45 डिग्री की जगह 30 डिग्री कर दो। चलो यहाँ पे ये 30 डिग्री तो काम आया नहीं, 45 पे वापस चलते हैं, और इस बार करके रहेंगे भाई। 15 लोग हो चुके क्वालिफाई, मैं इसके चक्कर में बाहर तो नहीं होऊंगा, वैसे दो लोग स्पेक्टेट कर रहे, लगता है सीख रहे मेरे को देख के।
चल भाई चल चल चल, अरे इस बार सही जा रहा है, अरे इस बार सही जा रहा है, लास्ट। ओ भाई दूसरी बार हो गया कि लास्ट वाला टच नहीं हुआ यार। कम ऑन गाइस, अब तो करना ही है भाई। इससे क्यों टकरा गया मैं, ये गलती से कूद गया मैं बीच वाले में, इसको स्किप करके जाना है गाइस। लास्ट इस बार तो हो जाएगा, कम ऑन। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यहाँ पे कर दिया गाइस, लास्ट वाले में कर दिया यार, मजा आ गया। फाइनली मैंने कर ही दिया ये, लेकिन आज के बाद नहीं करूँगा, इतना मुश्किल है मैं समझ चुका हूँ। तो ये एक और राउंड है जो कि मुझे आज तक समझ नहीं आया कि भाई इसमें स्लो जाना है, फास्ट जाना है, करना क्या है, क्योंकि पंखा मुझे यहाँ से दिखता है नहीं, और पंखा एक बार आपको देख लिया पंखे ने फिर तो भाई नीचे ही फेंक देगा, इसलिए पंखे से दूर रहना। और बहुत जल्दी ख़त्म हो गया यार ये तो। और ये आ गया हमारा पाइप ड्रीम गाइस। तो इसमें तो आपको मालूम ही है कि कुछ पाइप से हमें जाना पड़ता है जिसमें अलग अलग ऑब्स्टेकल आते हैं, और जितना मुझे मालूम चल चुका है लेफ्ट वाली साइड बेस्ट रहती है, मतलब लेफ्ट वाली साइड पहुंचो तो उसके लिए आपको राइट वाली साइड जाना पड़ेगा, लेकिन मैं गलती से यार लेफ्ट वाली में घुस गया यार। चलो कोई बात नहीं, ये पंखा वैसे थोड़ा ईजी है अब, लेकिन हम लोग राइट वाली से ही चलेंगे क्योंकि लेफ्ट वाली जो साइड है वहाँ पे इजी ऑब्स्टेकल्स आते हैं जितना मैंने देखा है, लेकिन ये मुझे क्यों राइट में फेंक रहा है हर बार मुझे ये समझ नहीं आ रहा। इस बार तो राइट से ही घुसा था यार मैं, थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई क्या मेरी यार। ये क्या लौट रहा है बीच में से, चल। अरे यार ये क्या कर रहा है, चलो हो गया। अब हमें कौन सी साइड भेज रहा है, लेफ्ट वाली साइड। भाई ये वाला थोड़ा मुश्किल है, इसमें ना मैं लेफ्ट से जाने की कोशिश करता हूँ ताकि ऑब्स्टेकल के साथ ही चलते बनो, लेकिन यहाँ पे नीचे रोलर कोस्टर किसने लगाया यार, पिछली बार ज़्यादा कोने चले गए थे, इस बार थोड़ा बीच में से। हाँ ये ठीक है, अब हो गए सारे ऑब्स्टेकल हो गए ना। हाँ अब ये लास्ट का बचा, ये तो भाई ऑटोमेटिक घूमता है, इसमें कुछ करने ही नहीं है हमें, इस पर जल्दी चढ़ जाऊँ मैं इससे पहले ऊपर हो जाए। अब ऊपर हो जाएगा, यहीं पर खड़े रहते हैं, ठीक है आ गया। बहुत सही भाई, स्पेक्टेट कौन कर रहा है मेरे को। चलो अब यहाँ पर यार काफ़ी लोग चले गए तो अपन नीचे जल्दी चल लेते हैं, 3-6 लोग तो मेरे आ गई हैं। चलो जल्दी अंदर कूदो इसके, अरे क्या कर रहे हैं, चलो कूद गया और हम लोग आ गए। और ये फाइनल में आ गया गाइज हमारा जंप चौड़ाऊँ, जिसमें कि भाई मेरी टाइमिंग मैच क्यों नहीं हो रही है मुझे समझ नहीं आ रही। ऊपर और नीचे वाले डंडे का जो रिलेशन है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, कौन सी मैच लगेगी, कौन सी फिजिक्स लगेगी इधर, जिससे कि मुझे मालूम चलेगा, आप ये बताओ। क्योंकि यार हर बार कैसे गलती कर देता हूँ मैं, आज नहीं करेंगे, आज तो मैंने सोच लिया यार आज करना ही नहीं है, आज मुझे आगे रहना थोड़ा सा, एक स्टेप आगे रहना है लोगों के। भाई ये क्या केकड़ा पहना है, ये बगल वाला बंदा यार केकड़ा पहन के घूम रहा है यार गाइस, क्या स्किन है, मज़ा ही आ गया। ये देखो यहाँ पे गलती कर दी मैंने यार, यही नहीं करनी गाइस, ये टाइमिंग का जो खेल है बस इसी पे अपन को यार अमल करना है। इस केकड़े को देख के हंसी आ रही, लेकिन मुझे सामने का गिर रहा है, ठीक है यहाँ पे दो है सामने के, तो हम याली साइड रहते हैं, याली साइड सेफर है, वो गिरेगा तो ये दो रहेंगे, ये गिरेगा तो बीच में से यार हम लोग फंस सकते हैं। अरे यार ये क्या किया मैंने, भाई ये क्या यार, देखा गाइस मैं बोलो ना टाइमिंग का खेल है पूरा। चलो तो न्यू गेम में आ गए हम लोग गाइस, इट्स कॉल्ड टुंड्रा रन, टुंड्रा रन है ये। तो ये है अपना आईसी हाइट्स इन फॉल गाइस, आप देख सकते हो सामने जो कैनन लगे हैं ये अपने आईसी हाइट्स के हैं। अब भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा स्टंबल गाइस इतनी लेट तो आया नहीं था यार, क्योंकि ये वाला जो थीम है आइस वाला ये शायद बाद में आया था, तो आईसी हाइट्स पहले आया था कि ये पहले आया था। अगर आईसी हाइट्स कॉपी किया है तो बहुत तगड़ा कॉपी किया है, अगर इनने कॉपी किया है तो इनने भी तगड़ा कॉपी किया है। सामने के जो पंच है ये तो अपन ने लॉस्ट टेंपल में देखे गाइस, इसमें थोड़ा फिसलता है लेकिन आराम से चल जाएंगे हम लोग। भाई आराम से बोला था, जाने क्यों नहीं दे रहे, वो क्या ट्रिक हो जाती इधर तो, लेकिन नीचे चला गया, वहाँ से ऊपर से निकल लेते यार, लेकिन नीचे फिसल के आ गया। ये फिसलते गाइस, ये वाला जो एरिया है ना ग्लास वाला, ये बहुत फिसलता है, और यहाँ पे पंखे लगे, पंखे जोड़ के सीधा मुक्के में टकरा गया मैं। अब साइड से चलते हैं, ये देख के आपको आई साइड याद आ रहा होगा, अब इतना सिमिलर देख के यार मुझे तो ये लग रहा है स्टंबल गाइस वालों ने लिया है आइडिया, क्योंकि यहाँ पे भी फिसल रहा है, वहाँ पे भी फिसलता है, बस यहाँ पे ये नहीं चढ़ना। स्टंबल गाइस के वाला ऑब्स्टिकल लिया ना चाहिए ना, काफ़ी अच्छा ऑब्स्टिकल है ये, सीधा हरवा देता है जीतने वाले को। पंखे को देखो, और पंखे को देखो भाई, पंखे को देखो, निकलने नहीं दे रहा मुझे ये बात, पंखे बाहर करवा दे मुझे गाइस। कुछ ऑब्स्टिकल होते ना जो कि होते नहीं है, ये आगे वाला ऑब्स्टिकल ऐसा ही है, सामने जो दिख रहे हैं आपको ग्रीन वाले, भाई ये मुझे जाने नहीं देते, पता नहीं क्यों मेरे से क्या ही दुश्मनी इनके। अभी देखना मैं यहाँ जाऊँगा ना, ये देखो कहाँ भेगा, सीधा नीचे, मुझे मालूम था ही होना है, और मुझे अब ये भी मालूम है बाहर हूँ, क्योंकि आप देखो 30 लोग क्वालिफाई हो चुके हैं, मैं कब अंदर जाऊँगा ये बताओ। आ गया भाई, लास्ट आया हूँ शायद से मैं, नहीं लास्ट तो नहीं आया हूँगा, लेकिन आ गया। और गाइज मोस्ट डिफिकल्ट मैप कौन सा है फॉल गाइज का आप बताओ, ये है भाई स्लाइम क्लाइम, इससे डिफिकल्ट मैप मैंने देखा ही नहीं फॉल गाइज में, मतलब
कोई बंदा पूरी मेहनत करके ना ऊपर तक चढ़ता है और वहाँ पे सीधा वो जो ऑब्स्टिकल है वो आपको स्लाइड में फेंक देते। यार इतनी मेहनत का मतलब करेगा क्या कोई, इतनी मेहनत से ऊपर गया फिर तुमने नीचे फेंक दिया तो मतलब ही नहीं है यार, फिर नीचे से ही आउट हो जाते हम लोग। तो इसलिए गाइस इसको मैंने क्लेम कर दिया ये मोस्ट डिफ़िकल्ट लेवल है भाई, बहुत डिफ़िकल्ट गाइस। एक तो इसमें ऊपर पहुंचना ही एक अलग मेहनत है, उसके बाद ऊपर से जब गिरते हो तो ऐसा लगता है मैं खेल ही क्यों रहा था यार, नीचे लकड़ियों का ढेर लग गया यार। टाइम फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस इसमें, क्योंकि अगर आपने टाइम से नहीं किया पार तो आप पे तो वैसे ही स्लाइम चढ़ जाएगा। और ये देखो ये गया, बस थोड़ा सा मैं गया ही था, खोने में बच गया। ये देखो बोलता हूँ बस एक गलती और आप सीधे स्लाइम के मुंह में। इसलिए यार मुझे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है यार ये मोस्ट डिफ़िकल्ट, मुझे अभी तक यही लगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं लगा मुझे। यहाँ पे एक ट्रिक करके जा सकते हैं ऊपर, लेकिन छोड़ो हम लोग नीचे ही चलते हैं। अच्छा वो बच गया और स्लाइम ऊपर आ ही गया यार, आज लगता है मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ यार। वैसे आज क्या मैं क्वालिफाई किया नहीं इसमें, एक या दो बार ही किया हूँ अभी तक। थोड़ा रुक के चल देते हैं, ये आगे का इस लास्ट पार्ट जिसकी मैं बात कर रहा था। अब कोई देखो यहाँ पे इतनी मेहनत करके आता है और ये इसको ना नीचे फेंक देते यार बंदे को, मतलब कोई क्या ही करेगा अगर ये हैमर से कोई नीचे गिर गया तो। इतनी मेहनत करके ऊपर आया और तुमने नीचे फेंक दिया स्लाइम में, बताओ कहानी ख़त्म। तो गाइज यहाँ पे हाइपर ड्राइव हीरोज आ चुका है, जो कि अनदर बहुत ही डिफ़िकल्ट मैप है भाई, लेकिन अपन ने ना इसको हैक कर लिया गाइज। अगर आप भी खेलते हो ना डाइव मार दे करो यार, आराम से निकल जाता है इसके ऊपर से। पहले मैं इतनी मेहनत करता था जंप मार मार के, और अब मैं डाइव मार के इतने आराम से निकल जाता हूँ गाइज। ये देखो बस डाइव मारनी है, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे डाइव मार ये निकल गए, यहाँ डाइव मार ये निकल गए गाइज, मतलब इतना ईजी भाई। हैक कर लिया अपन ने यार मैप को, मज़ा ही आ गया। ये तो मतलब पहले कोई बता देता ना मैं यार मतलब उसको यार 10 रुपये देता यार, पूरे 10 रुपये। लेकिन अब मैंने बता दी गाइस, तो अब जो भी यूज़ करेगा तो भाई रॉयल्टी लगेगी, 10 रुपये देना पड़ेगा, याद रखना, इसलिए कोई यूज़ मत करना मेरे अलावा। तो अभी चलते हैं गाइस, प्ले स्टोर वाला ऑब्स्टिकल आ चुका है यार। मैंने पिछली वीडियो में इसको प्ले स्टोर वाला ऑब्स्टिकल बोला तो लोगों को लगा कि भाई प्ले स्टोर पर आ गया फॉल गाइस, मतलब मानता हूँ गाइस लगा होगा, लेकिन मेरा ये इंटेंशन नहीं था। लेकिन अच्छा लगा तो लोगों को, इससे शायद फॉल गाइस वालों को भी लगे भाई देख के कि यार ले आओ भाई प्ले स्टोर पे, क्योंकि अगर ये आ गया ना इससे बड़ा गेम होगा नहीं मुझे लग रहा है यार, क्योंकि मज़ा ही आ जाएगा लोग को। वैसे स्टम्बल गाइस भी अच्छा है, फिर इन दोनों में कंपटीशन हो जाएगा तो अपन के लिए अच्छा हो जाएगा गाइस, क्योंकि फिर नए नए लेवल हर हफ्ते आएंगे। अभी जैसे 3 महीने वेट करना नहीं पड़ेगा गाइस, लेकिन पता ये नहीं आएगा मोबाइल में, क्योंकि इन लोगों ने पीसी पे ही काम करना छोड़ दिया भाई, मोबाइल पे कहाँ से आएगा। अब ये लोग हो चुके हैं स्किन वाले, स्किन से पैसा कमा रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है लेवल्स का। एक ही लेवल में बता रहा हूँ मैं पूरे दिन खेलूंगा ना, एक ही लेवल आता है पूरे दिन गाइस। फॉल गाइस हो चुका है डेड और स्टम्बल गाइस नहीं होगा, क्योंकि वो अभी मोबाइल का है और वो अब जाके ग्रो हो रहा है गाइस, क्योंकि अब उनमें दिमाग आया करना क्या है। तो स्टम्बल गाइस तो आगे बढ़ने वाला है, लेकिन फॉल गाइस का कोई करियर है ही नहीं, फ्यूचर ख़राब है इसका, मैं बोल रहा हूँ ख़त्म है। लेकिन स्टम्बल गाइस बढ़ेगा गाइस, तो हम लोग खेलेंगे स्टम्बल गाइस भी, फॉल गाइस भी, देखते कितने दिन चलता है। अभी ऐसे चलेगा तो मैं तो ज़्यादा दिन खेलूंगा नहीं, इसलिए मैंने वीडियो कम कर दी, क्योंकि भाई एक ही लेवल आता है, एक ही लेवल को कितना दिखेगा और कितना खेलेगा ये बताओ। एक ही लेवल तो भाई मेरे से नहीं बनता एक ही एक चीज़। तो यहाँ पे बहुत हो गई रोस्टिंग, हम लोग आगे चलते हैं गाइस। यहाँ पे सामने का जो ऑब्स्टिकल है इस पर डायरेक्ट आप कूद के जा सकते हो पता है, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं एक बार गया था और मैं नीचे गिर गया था। लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई तो जाएगा देखना, वो देखो वहाँ से निकल लिया। मैं सोच रहा था ऐसे जाऊँ, लेकिन एक बार मैं गया था और नीचे गिर गया था, इतने आगे तक आने का कोई मतलब नहीं रहा फिर तो। अब तो भाई प्राइस तो मिल नहीं रहा उसको, फर्स्ट आया तू, सेकंड आया, गोल्ड मेडल तो मिल नहीं रहा तुझे, तो भाई तू चले जा, मैं आराम से यहाँ से चल जाऊँगा, क्योंकि ये है बहुत ईजी, यहाँ पे कोई मुझे नीचे गिरा ही नहीं सकता। तो ऐसे मैं आ जाऊँगा और मैं लास्ट था भाई, मतलब 5 ही लोग क्वालिफाई किए क्या। तो यहाँ पे गाइस इसका नाम क्या है, रोल ऑफ था शायद से, रोल ऑफ फॉल ऑफ जो भी है, ये है बहुत भाई बहुत मुश्किल है, मतलब मेरे लिए, क्योंकि बाकी लोग तो यार बहुत लास्ट तक टिक जाते हैं, इतना देर तक मैं टिक नहीं पाता हूँ, ये पूरा स्लाइम भी ऊपर आ जाता है पता है आपको। तो इसमें यार जीतना मतलब कोई जीत गया ना तो वो है फिर प्रो भाई, रियल प्रो वही है गाइस। अभी आप देखना हम लोग 5 ही है ना, तो अभी कोई भी बाहर नहीं होगा, मैं ही होऊंगा सबसे पहले वैसे तो, लेकिन इतना जल्दी भी नहीं होऊंगा, देखते थोड़ी देर तक तो टिक के देखते हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ जो मुझे समझ में आई, यहाँ से हम कूद सकते हैं लेकिन ये गड्ढा बड़ा है, यहाँ से नहीं जाना हमें, तो कहीं कहीं पे तो हम आगे जा सकते हैं, कहीं कहीं पे रुकना पड़ेगा और कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते भाई, देखते क्या होता है इसमें। ऐसी लंबी टाइल पसंद है मुझे, ये ऐसी लंबी टाइल आ जाए ना बस यहीं पर भागते रहो फिर खड़े होकर। ये कहाँ से आ रहा है अभी, क्या नीचे से आ रहा था क्या, और वो हिल ही नहीं रहा, नो मूवमेंट। अच्छा अब हिला भाई, पूरा यूज़ कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं ये, लेकिन हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं।
यहाँ पे फिर से लंबी टाइल आ गई थोड़ी, नहीं ये वाली लंबी नहीं है यार, ज़्यादा ये नीचे जा रही है। ये देखो गाइस स्लाइम ऊपर आ चुका है, मैंने बोला था ना स्लाइम जो है वो ऊपर आ जाता है, और अब हो चुका है गेम मुश्किल क्योंकि ये हो चुका है फास्ट। मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा, चक्कर आ रहे देख के। तो अब हम क्या करें गाइस, ये वाला ठीक है, देखो ये लंबा आ गया, ऐसी लंबी टाइल चाहिए हमें, और साथ ही में इसी के यहाँ पे कूदते रहो। चलो ये ठीक है, हाँ भाई यहाँ पे लंबी टाइल आ गई, यहाँ पे आ जाओ, ये ब्लू ठीक है, यहाँ से यहाँ कूद जाओ, ये ठीक है, उसके बाद यहाँ चढ़ गए। चलो गाइस बहुत फास्ट हो चुका है, एक बंदा बाहर हो चुका है। अरे यार ये क्या है, दोनों जगह गड्ढे कर दिए भाई, मैं जाता कहाँ से यार, थोड़ा रुकना था मुझे, लेकिन भाई मेरे अलावा कोई भी नहीं हुआ लगता, मुझे ही समझ नहीं है ऑब्स्टिकल। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी यार तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी फॉल गाइस की वीडियोस देखने के लिए और स्टंबल गाइस की भी। और मेरी पिछली वीडियो देखनी हो फॉल गाइस की तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।